अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टू के पास्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने यहाँ तक पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज हम इससे स्टार्ट लेते हैं। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक अप्रोच है टू डिलीवर नर्सिंग केयर। और इसके जो पर्पज़ है, सबसे पहले नंबर वन इज़ टू असेस पेशेंट। असेस में हम पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद है सेकंड डायग्नोस। डायग्नोस में हम उनके प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। देन थर्ड प्लान यानी प्लानिंग, इसमें हम इंडिविजुअलाइज्ड केयर देते हैं प्लस में अपने गोल्स को सेट करते हैं। देन फोर्थ में जो हमने गोल्स बनाए हैं और केयर प्लान बनाया है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंपली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट वाला जो पर्पज़ काम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन में होता है। देन फिफ्थ इज़ एवेल्युएट। एवेल्युएट में आप प्रोग्रेस एंड आउटकम यानी जो आपने केयर उसको प्रोवाइड की है उसके आउटकम्स क्या है। ओके, सो इट गाइड्स अ नर्स इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एविडेंस बेस्ड केयर दैट एड्रेस पेशेंट्स यूनिक नीड एंड प्रोमोट ऑप्टिमल आउटकम्स। सिंपली नर्सिंग प्रोसेस नर्स को हेल्प करता है ताकि वो हाई क्वालिटी की एविडेंस बेस्ड उस पेशेंट को केयर दे सके और उसके रिजल्ट में एक ऑप्टिमल आउटकम्स प्रोमोट कर सके। ओके, यहाँ पर दूसरी साइड में देखते हैं इसके पर्पस। सो नर्सिंग प्रोसेस का जो पर्पस होता है सिंपली इट प्रोवाइड्स पेशेंट सेंटर्ड केयर यानी उसी पेशेंट के लिए वो केयर होगी। सेकंड पॉइंट इज़ इट प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड इज़ इट प्रिवेंट इलनेस एंड इंजरी। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ इज़ इट रिस्टोर हेल्थ एंड फंक्शन एंड लास्ट वन इज़ इट सपोर्ट कोपिंग एंड एडाप्टेशन। तो ये सिंपली पर्पज़ है नर्सिंग प्रोसेस का जिसमें हम पेशेंट को असेस करते हैं, उसके प्रॉब्लम को पता लगाते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम के लिए हम कोई प्लान सेट करते हैं, गोल्स बनाते हैं, फिर वो प्लान्स और गोल्स जो हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि आइदर जो हमने उसको केयर प्रोवाइड की है उसके गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको हमने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ हमें नर्सिंग प्रोसेस से ही पता चलता है। सिंपली यही पर्पज़ है नर्सिंग प्रोसेस का। ओके, देन है अदर क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो 11th फंक्शनल हेल्थ पैटर्न पे है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इनलिस्ट 11th फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। यानी आपने 11th फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को इनलिस्ट करना है, जैसे यहाँ पर एक साइड में ये किए गए हैं। उसके बाद किसी एक को जो आपको अच्छा लग रहा है यानी जो आपको आ रहा है उस किसी एक को आप डिफाइन करें। ओके, तो यहाँ पर हमने स्पिरिचुअल रिलीजन पैटर्न को डिफाइन किया है। तो सेम ही क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज इसको आई थिंक डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन अदर क्वेश्चन है इनलिस्ट टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। अब नर्सिंग डायग्नोस कंपोनेंट है किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि आपने नर्सिंग डायग्नोस के टाइप्स को इनलिस्ट करना है प्लस में आपने उनको एक्सप्लेन करना है, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो नर्सिंग डायग्नोस के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले है एक्चुअल डायग्नोस, एक एक्चुअल डायग्नोस होता है। सेकंड इज़ रिस्क डायग्नोस, थर्ड इज़ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस एंड फोर्थ इज़ सिंड्रोम डायग्नोस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एन एक्चुअल डायग्नोस। यहाँ पर मैं एक्चुअल डायग्नोस को एक्सप्लेन करती हूँ। सो एक्चुअल डायग्नोस नर्सिंग डायग्नोस में वो आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको ही हम सिंपली एक्चुअल डायग्नोस बोलते हैं। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक पेशेंट प्रॉब्लम। ये एक पेशेंट की स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है उसके प्रॉब्लम की दैट द नर्स कैन इंडिपेंडेंटली मैनेज एंड ट्रीट। ये वो पेशेंट की स्टेटमेंट है स्पेसिफिक जो एक नर्स इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज और ट्रीट कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक्यूट पेन, ये क्या है, ये एक एक्चुअल डायग्नोस है। दिस इज़ एन एक्चुअल डायग्नोस बिकॉज द पेशेंट इज़ करंटली एक्सपीरियंसिंग पेन। यानी करंटली जब आप उसको असेस कर रहे हैं उसी वक्त अगर उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम एक्चुअल डायग्नोस बोलते हैं और वो आप फाइंड आउट कर रही हैं, उसको मैनेज कर रही हैं, तो इट इज़ अ एक्चुअल डायग्नोस। अदर एग्जांपल है एक्चुअल डायग्नोस के इम्पेयर्ड मोबिलिटी, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। ये इसके एग्जांपल से। सो एक्चुअल डायग्नोस गाइड करता है नर्स को केयर प्लान के लिए, उसके इंटरवेंशन के लिए और जो उसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिम्टम्स है जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको हेल्प करने के लिए एक्चुअल डायग्नोस होता है। ओके, देन है अदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्लीप अलॉन्ग विथ स्टेजेस। अब हमने पिछले जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी सेम ही ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी हमने स्लीप की टाइप्स को डिस्कस किया था, उसकी स्टेजेस को भी डिस्कस किया था। सो स्लीप के टाइप्स होते हैं रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सो नॉन रैपिड आई मूवमेंट की 3 स्टेजेस होती है और रैपिड आई मूवमेंट की 1 स्टेज होती है जिसको हम 4th स्टेज बोलते हैं, जिसमें ब्रेन एक्टिव होता है, इसमें ड्रीम्स वगैरह आकर होती हैं, मोस्टली मसल पैरालाइज होते हैं। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है इसके फर्स्ट पार्ट में। ओके, देन है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो नर्सिंग प्रोसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले ये क्या है, ये साइक्लिक है, यानी साइक्लिकल। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ एन ऑनगोइंग साइकिल। नर्सिंग प्रोसेस एक ऑनगोइंग साइकिल है विथ ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन, जिसमें क्या होता है कि एक सीरीज से चल रही होती है, ठीक है। जैसे असेसमेंट है, असेसमेंट के बाद डायग्नोस होगी, डायग्नोस के बाद प्लानिंग होगी। ऐसे नहीं होगा कि पहले हम प्लान कर रहे हैं उसके बाद हम डायग्नोस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक साइकिल की तरह ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के बाद आते हैं। ओके, तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं। सो ये तो होगा इसका पहला करेक्टर। देन है इसका सेकंड करेक्टर, इट इज़ अ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, इट फॉलोज़ अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम एक प्रोसेस है, एक लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जिसमें आप एक प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सिंपली सिस्टमेटिक बोलते हैं। देन थर्ड इज़ पेशेंट सेंटर्ड। अब पेशेंट सेंटर्ड का क्या मतलब है, इसमें आप फोकस करते हैं उस इंडिविजुअल की यूनिक नीड्स और उसके एक्सपीरियंसेस को। जैसे कि आप एक पेशेंट है उसकी नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, जैसे सबसे पहले आप उसमें उसकी असेसमेंट करेंगे, उससे पूछेंगे कि उसको क्या तकलीफ है। ओके, उसके बाद उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, देन प्लान बनाएंगे, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट में एवेल्युएट करेंगे, तो इसको हम पेशेंट सेंटर्ड केयर बोलते हैं। देन फोर्थ वन इज़ डायनेमिक। द प्रोसेस अडाप्ट चेंजिंग पेशेंट नीड्स एंड सर्कमटांसेस। अब डायनामिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि आप पहले अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके बाद लास्ट में आप उसको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट करने के दौरान आप ये देखते हैं कि आइदर जो आपने केयर प्लान उसको दिया है उसके गुड रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस को चेंज करेंगे और कोई दूसरा केयर प्लान बनाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल नर्सिंग प्रोसेस एज अ डायनामिक। ओके, देन फिफ्थ इज कोलाबोरेटिव। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलाबोरेटिव, नर्सेस वर्क विथ पेशेंट, जिसमें जो नर्स है वो पेशेंट से वर्क करें, फैमिली उस और डिफरेंट हेल्थ केयर टीम से वर्क करके एक कॉमन गोल को अचीव करें, उसको हम कोलाबोरेटिव बोलते हैं। तो सिंपली ये सिर्फ नर्सिंग प्रोसेस में होता है। देन सिक्स्थ इज गोल डायरेक्टेड। सो द प्रोसेस एम्स टू अचीव स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स। इस प्रोसेस का जो मकसद है वो क्या है, कि एक स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स को हमने अचीव करना होता है, इसको हम सिंपली गोल डायरेक्टेड बोलते हैं। देन सेवन्थ इज एविडेंस बेस। अब एविडेंस बेस में क्या होता है, डिसीजंस आर ग्राउंडेड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसमें हम एक एविडेंस बेस्ड पूरा नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं। देन एट इज होलिस्टिक। द प्रोसेस कंसिडर द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट, जिसमें हम असेसमेंट में ये सारा कुछ उससे पूछ रहे थे, तो इसको हम होलिस्टिक भी बोलते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक। देन नाइन है फ्लेक्सिबल। अब नर्स अडॉप्ट द प्रोसेस टू मीट इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो नर्स को फ्लेक्सिबल होना होता है, ठीक है, इस नर्सिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल करना होता है ताकि उस इंडिविजुअल्स की जो भी सारी नीड्स हैं वो उनको मीट कर सकें। देन टेन इज कंटिन्यूस। द प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट द पेशेंट केयर विथ ऑनगोइंग असेसमेंट, प्लानिंग एंड एवेल्युएशन। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसमें आप उस पेशेंट की ऑनगोइंग असेसमेंट करते रहते हैं, दूसरे दूसरे प्लान्स बनाते हैं और उसको एवेल्युएट करते हैं। ओके, तो ये सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस के। देन अदर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर वैली को डिफाइन करना है, एथिकल डिलेमा को डिफाइन करना है, स्पिरिचुअलिटी, डिस्यूरिया एंड पेन, इन सबको, इन सब के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले है वैली। अब वैली क्या है, अब ये एक प्रिंसिपल है और स्टैंडर्ड है जो कि गाइड करता है बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग को, प्लस में शेप करता है पर्सन के बिलीव्स, कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसिस को, इसको हम सिंपली वैली बोलते हैं। देन है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा सिंपली एक सिचुएशन है वेयर टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ और प्रिंसिपल रिक्वायर अ चॉइस।
एक ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जहाँ पर हमारे हमें वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बीच में एक चॉइस होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई बोल रहा है कि ये बात सही है तो दूसरा बोल रहा है कि ये बात सही है, तो उन दोनों ये क्या है, ये एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसमें हमने ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, ऑफन विथ नो क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर। ओके, ये सिंपली इथिकल डिलेमा है। देन थर्ड इज स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? अ पर्सन सर्च फॉर मीनिंग पर्पस एंड कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर देन देमसेल्व, ऑफन इन्वॉल्विंग बिलीव्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट ब्रिंग अ सेंस ऑफ होलनेस एंड वेलबींग। ये सिंपली क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी है। ओके, देन है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब क्या है? डिस का मतलब होता है पेनफुल, यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन, यानी पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। ऑफन ये एक सिम्पटम है किसका? अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन का, सच एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, उसमें क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, इसको हम सिंपली डिस्यूरिया बोलते हैं। देन लास्ट है पेन। अब पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि एसोसिएट होता है किसी भी एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, एंड इट कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ओके, तो ये टर्म्स थे। नाउ अदर क्वेश्चन है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड लिस्ट इट्स पर्पसेस। तो इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अगेन यहाँ पर सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, द नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलाबोरेटिव अप्रोच है जिसमें हम नर्सिंग केयर को डिलीवर करते हैं प्लस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो नर्स को गाइड करता है प्लान करने के लिए डिलीवर एंड इवेल्युएट इंडिविजुअलाइज केयर। देन इसके पर्पस क्या हैं? पर्पस भी हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आप ये वाले भी लिख सकते हैं और जो हमने पहले डिस्कस किए वो भी लिख सकते हैं आप। देन है डिफाइन कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान एंड एक्सप्लेन असेसमेंट विथ एग्जाम्पल। आपने कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान को डिफाइन करना है प्लस में असेसमेंट को भी डिफाइन करना है। सो कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान है असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। उसके बाद असेसमेंट क्या है? असेसमेंट फर्स्ट पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट्स अ सिस्टमिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पेशेंट डेटा टू आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम। ये एक सिंपली सिस्टमिक कलेक्शन है जिसमें हम उस पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी हेल्थ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसमें हम सिंपली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, पेशेंट की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस जो भी सारी है उनकी सारी से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल असेसमेंट में हम वाइटल साइंस लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, रेंज ऑफ मोशन, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम मूड, कॉग्निटिव फंक्शन और इमोशनल स्टेट देखते हैं। ओके, देन है एक्सप्लेन सेक्सुअल पैटर्न एंड लिस्ट कॉमन रिस्क अल्ट्रेशन इन सेक्सुअलिटी। सबसे पहले आपने सेक्सुअल पैटर्न को एक्सप्लेन करना है, फिर लिस्ट करनी है कॉमन रिस्क अल्ट्रेशन जो कि सेक्सुअलिटी में होती है। सो सेक्सुअल पैटर्न क्या है? द सेक्सुअल पैटर्न रिफर टू इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी विच इनकंपासेस देयर बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबिंग। यह सिंपली डेफिनेशन है किसकी? सेक्सुअल पैटर्न की। अब वो कौन से कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो कि सेक्सुअलिटी को अल्टर कर सकते हैं? तो नंबर वन है सेक्सुअल डिसफंक्शन में मोस्टली मेन में देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअलिटी में अल्ट्रेशन आ जाती है। उसके अलावा डिक्रीज लिबिडो का सिंपली मतलब है लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेक्सुअल। ठीक है, इसमें उस जो बंदे हैं उनको सेक्स की कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसको हम सिंपली डिक्रीज लिबिडो बोलते हैं। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन्फेक्शन हो गए जैसे HIV, क्लाइमेडिया, गोनोरिया, ये क्या है? ये डिजीज़ है जो कि आल्सो अल्टर कर सकती है सेक्सुअलिटी को। देन सेक्सुअल डेविनेस, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे पीडोफेलिया एंड देन फिफ्थ इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देन फिफ्थ इज सेक्सुअल ट्रामा जिसमें सेक्सुअल असल्ट या फिर एब्यूज़ किया जाता है लोगों को। देन सिक्स्थ इज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इलनेस है जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, ये सब भी अफेक्ट करती हैं सेक्सुअल फंक्शन को। देन मेंटल हेल्थ इशू आल्सो अफेक्ट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को जैसे डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गई। उसके अलावा सब्सटेंस एब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, ये भी अफेक्ट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। लास्ट है एजिंग रिलेटेड चेंजेस, आल्सो मीनोपॉज एंड एंड्रोपॉज कैन अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शन, तो ये भी यहाँ पर हो गया। देन है डिफाइन स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न एंड एनलिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले आपने स्लीप एंड रेस्ट को डिफाइन करना है, उसके बाद उस फैक्टर्स को डिफाइन करना है जो स्लीप
स्लीप को अफेक्ट करते हैं। तो स्लीप क्या है? स्लीप इज़ अ नेचुरल पीरियडिक स्टेट है रेस्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड। इसमें बॉडी और माइंड दोनों रेस्ट में होते हैं, कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस भी रिड्यूस होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, प्लस में एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई है उनके लिए उनका रेस्पॉन्स भी डिक्रीज हो जाता है। सो हम सिंपली स्लीप बोलते हैं। देन रेस्ट पैटर्न क्या है? अ रेस्ट पैटर्न रेफर्स टू द रेगुलर साइकिल ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस दैट अकर थ्रू आउट 24 आवर्स, आल्सो नोन एज स्लीप वेक साइकिल और सर्कैडियन रिदम। इसमें जो है ना ये डिफरेंट होती है स्लीप से, इसमें आपका जो माइंड होता है वो रेस्ट में नहीं होता, बाकी आपकी जो बॉडी होती है वो रेस्ट होती है। देन वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्लीप को। तो सबसे पहले है एज, लाइफस्टाइल, आपका वर्क स्केड्यूल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ज़्यादा नॉइस है, लाइटिंग की वजह से लोगों को नींद नहीं आती, टेम्परेचर की वजह से लोगों को नींद नहीं आती, फिजिकल हेल्थ में जैसे क्रोनिक पेन वगैरह हो गया या फिर स्लीप एपनिया हो गई, ठीक है, सोते हुए उसकी सांस जो है ना थोड़ी देर तक बंद हो जाए, उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। देन मेंटल हेल्थ में उसको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी स्लीप कम आती है। देन मेडिकेशन, इसी किसी भी टाइप के वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी स्लीप अल्टर हो सकती है। सब्सटेंस यूज जैसे कि कैफीन, अल्कोहल वगैरह हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे कि इनसोमनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसमें आपकी टांगों में जो है ना वो अजीब सी बेचैनी होती है। देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस जैसे कि मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, ट्रेवल एंड टाइम जोन अगर चेंज हो गया उसकी वजह से हो सकता है, और उसके अलावा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ और कल्चरल नॉर्म्स वगैरह, न्यूट्रिशन और डाइट जैसे कि कॉफ़ी, कैफीन हो गई, हैवी मील्स, क्लोज टू बेड टाइम, ओके। देन लास्ट है स्लीप इन्वायरमेंट, अगर कम्फर्टेबल आपका स्लीप वाला एनवायरनमेंट नहीं है, डार्कनेस नहीं है या फिर क्वाइट नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप को अल्टर कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकेशन एंड इनलिस्ट पर्पस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले आपने मेडिकेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद इनलिस्ट करने हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस को। देन मेडिकेशन क्या है? सबसे पहले मेडिकेशन इज अ सब्सटेंस और ड्रग यूज टू प्रिवेंट, डायग्नोस और ट्रीट अ डिजीज और कंडीशन, टू प्रोमोट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। मेडिकेशन एक सब्सटेंस है यानी ड्रग जिसको हम बोलते हैं, ये यूज़ की जाती है ताकि हम किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें, ठीक है, और उस बंदे की ओवरऑल हेल्थ को प्रोमोट करें और उसको ठीक करें, ये किसका काम होता है? मेडिकेशन का काम होता है। देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस है? टू क्योर और कंट्रोल डिजीज और कंडीशन, उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका ये पर्पज़ है। सेकंड है टू रिलीव सिम्टम्स पेन या फिर फीवर है, टू प्रिवेंट इलनेस और डिजीज़ जैसे कि वैक्सीनेशन, प्रोफाइलेक्सिस, इसमें हम पहले ही उस डिजीज़ को रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, देन टू इन्हांस फिजिकल और मेंटल वेलबींग, टू सपोर्ट रिकवरी फ्राम इलनेस और सर्जरी, इसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं कि वो जो इंजरी या फिर जो सर्जरी इलनेस वगैरह है उससे वो रिकवर हो जाए जल्द से जल्द, टू रिप्लेस डेफिशिएंट हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे लोगों को हार्मोन्स की डेफिशिएंट की वजह से कोई डिजीज़ हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ओके। एंड नाइन्थ इज टू एड इन डायग्नोस, जैसे कि कंट्रास्ट एजेंट है, इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को। एंड लास्ट इज टू सपोर्ट पैलिएटिव केयर, इसमें हम पेन को मैनेज करते हैं और अदर जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सिंपली पर्पज़ है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। देन है डिस्कस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रिलाइविंग पेन, आपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिस्कस करनी है पेन को रिलीव करने के लिए। अब एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, ठीक है, जिसमें हम हीट अप्लाई करते हैं, आइस अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, उसको अच्छी पोजीशन देते हैं, ये क्या है? ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप मेडिसिंस का यूज़ करते हैं ताकि उस पेन को कम कर सकें, रिलीफ दे सकें। सो फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ पेन मैनेजमेंट इंक्लूड नॉन ओपियोइड एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ये एक किस्म के ड्रग्स हैं यानी मेडिसिंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं पेन को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा एडजुवेंट एनाल्जेसिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी टाइप्स हैं किसके, मेडिसन्स के, जो कि यूज़ किए जाते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। देन नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक आर कॉमनली यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन मैनेजमेंट, जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं वो
माइल्ड या फिर मॉडरेट पेन को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो ओपोइड एनाल्जेसिक है ये पोटेंट पेन रिलीवर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मॉडरेट से सीवियर पेन को मैनेज करने के लिए। तो ये सिंपली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थी पेन को रिलीव करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पास्ट पेपर को यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।